छात्रों से संवाद करने पहुंचे राहुल गांधी। तिरुपति से लौटने के बाद शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करने पहुंचे। शिक्षा दशा और दिशा नाम से यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया है, जहां राहुल देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर छात्रों से रूबरू हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की गई। इसी क्रम में पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपनी बात राहुल के साथ अभियान के तहत दिल्ली के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में दिल्ली मुंबई में पढ़ने वाले छात्रों से डिनर पर मिले थे। भारत और पाक के बीच खराब हालात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद खराब हालात हैं। अमेरिकी प्रशासन दोनों देशों के संपर्क में है, उम्मीद है ये दुश्मनी जल्द खत्म होगी। 20 फरवरी को भी ट्रंप ने भारत पाक के संबंधों पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच की स्थिति को भयावह बताया था। इस बीच न्यूयॉर्क स्थित पाक कौंसुलेट के सामने भारतीय अमेरिकियों ने प्रदर्शन किया। अब 112 होगा सिंगल हेल्पलाइन नंबर। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अब सिंगल हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। अब जब भी आपको मदद की जरूरत हो, आप खतरे में हो या कोई गंभीर रूप से घायल हो गया हो, तो तुरंत 112 नंबर डायल कीजिए। इसके अलावा अगर आपके सामने मारपीट, हत्या, डकैती या हंगामे जैसे गंभीर क्राइम हो रहे हों, तो भी आप 112 पर डायल कर सकते हैं। ये सिंगल हेल्पलाइन सर्विस अभी देश भर के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी कर दी गई है। झारखंड में स्वाइन फ्लू के 25 मरीज। झारखंड राज्य में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जांच की सुविधा राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। राज्य में अब तक 25 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं, इसमें से एक मरीज की मौत इलाज के दौरान हुई है। सबसे अधिक मरीज सिमडेगा जिले में सामने आए हैं। इसके बावजूद राज्य में स्वाइन फ्लू की जांच करने वाली 25 लाख की रियल टाइम PCR मशीन नहीं है। रघुवर दास ने दिए मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हा। रांची के खेलगांव में आयोजित कार्यक्रम में लाभुकों के बीच निशुल्क LPG कनेक्शन और चूल्हे का वितरण किया गया। झारखंड मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड की सभी राशन कार्ड धारी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और मुफ्त चूल्हा दिया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को CM रघुवर दास PM किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। दुनिया के 500 अमीरों में 19 भारतीय। दुनिया के 500 बड़े अमीरों में कुल 19 भारतीय शामिल हैं, लेकिन टॉप 10 में कोई नहीं है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर हैं। उनकी नेटवर्थ 48 अरब डॉलर यानी करीब 3.40 लाख करोड़ रुपए है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स दुनिया के 500 अमीरों की रैंकिंग बताता है, जो हर रोज अमेरिकी शेयर बाजार बंद होने के बाद नेटवर्थ के आधार पर तय होती है। ट्विटर पर हमेशा सेव रहते हैं मैसेजेस। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मैसेज डिलीट करने के बाद भी उसके सर्वर पर आपके मैसेजेस मौजूद रहते हैं। टेक वेबसाइट टेकक्रंच ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सिक्योरिटी रिसर्चर करण सैन ने ट्विटर पर डिलीटेड मैसेजेस स्टोर रहने का खुलासा किया है। ट्विटर अपने यूजर्स के ऐसे मैसेजेस को भी स्टोर करके रखता है, जिन्हें यूजर्स काफी समय पहले ही डिलीट कर चुके होते हैं। साथ ही ट्विटर पर डिलीटेड अकाउंट के मैसेजेस भी स्टोर रहते हैं। भारत में 5 में से 1 शख्स पीता है शराब। केंद्र सरकार की ओर से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक देश भर में 10 से 75 साल की उम्र के 14.6% यानी करीब 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं, और शराब के बाद देश में भांग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। भारत में 5 में से 1 शख्स शराब पीता है, और भारत में 19% लोगों को शराब की लत है। साथ ही लगभग 6 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शराब और दूसरे नशीले पदार्थों पर निर्भरता इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्हें इलाज की जरूरत है। हमारा रुख सख्त है, हम देश के साथ, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को COA के साथ हुई बैठक के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने विश्व कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलने के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। BCCI ने अपने पत्र में क्रिकेट समुदाय से उस देश के साथ संबंध तोड़ने का आग्रह किया है जहां आतंक को पनाह मिलती हो। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हम देश के साथ खड़े हैं, हमारा राष्ट्र क्या चाहता है और BCCI क्या फैसला करता है, हम उसके साथ रहेंगे। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर टोटल धमाल। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म टोटल धमाल रिलीज हो गई है। रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय कमाई की है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले थे। फिल्म ने पहले दिन 16.50 करोड़ की कमाई की। ये फिल्म धमाल फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। फिल्म को लेकर जबरदस्त बस बना हुआ है। आने वाले दिनों में फिल्म के अच्छी कमाई करने की उम्मीद है। फिल्म का बजट तकरीबन 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। कीप वॉचिंग पर्यावरण पोस्ट।